आपके सवालात हमारे जवाबात, मौजूदा हालात सब के बारे में करेंगे बात एक अलग अंदाज में विद मी सोफिया मिर्जा और मरियम मिर्जा। सो लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्जा और इस वक्त ये एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम, लेट्स टॉक। मैं इसमें बात करूँगी और मेरे साथ हैं मेरी सिस्टर मरियम मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर हैं, और इनका दिल कर रहा था कि हम आजकल के जो इश्यूज़ हैं उस पर हम डिस्कस क्यों नहीं करते। तो वी डिसाइडेड कि हम क्यों ना आजकल के जो सोसाइटी में ओवरऑल जो भी मुल्क में दुनिया में हो रहा है हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। सो मेरे साथ मरियम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मरियम? गुड सोफिया। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तो हमने डिस्कस करना है जो मुल्क के हालात हैं, बट ओवरऑल हमारे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में बात करेंगे। क्लियरली ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं और हमारे पर्सपेक्टिव हैं, सो दिस इज़ नथिंग कि हम लोगों को कोई हर्ट करें, किसी के इमोशंस या कुछ। तो दिस इज़ आर थॉट्स अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट्स। सो लेट्स टॉक। हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? आज हम मेनली बात करेंगे स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर, माइंडसेट ऑफ पीपल, एंड उस वजह से जो मेन इंसिडेंट्स छोटी कहते हैं ना, वो माचिस वाली आग भर जाती है। हाँ. तो मेन आपका दिमाग से सब काम शुरू हो जाता है। सो इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ वुमन और अ मैन, ये सब चीज़ें अलग करके हम एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसका सोसाइटी में किरदार क्या है, उस बारे में। यस, और माइंडसेट ऑफ सोसाइटी में जाहिर है हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल जो है मसले हो रहे हैं सोसाइटी में क्यों हो रहे हैं। अच्छा, मैं और मरियम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये इतना सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है ऑन डेली बेसिस? यू आर राइट कि बिल्कुल जब भी न्यूज़ लगाओ एक दिन में चार चार न्यूज़ के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो वजह क्या है इसके पीछे? तो विच इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि हो पूरी दुनिया में ही रहा है, हमें हमारे मुल्क में दिखता है क्योंकि हम यहाँ में रहते हैं डेफिनेटली। सो उसी पॉइंट पर लेट्स टॉक, एंड क्या पता हम कुछ वी कैन प्ले अ पार्ट टू मेक एनीबॉडी बेटर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये बात है ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में औरत और मर्द का कैरेक्टर बड़ा डिफाइंड है, एज यू नो मुस्लिम भी और एज सोसाइटी में। अब बात यह है कि बीइंग अ वुमन, एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। अब मेरी नज़र में एम्पावरमेंट ये है मरियम कि औरत जो है ना वो इस काबिल हो कि पढ़े, सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी पढ़ाई इक्वल लड़के जैसी होनी चाहिए। उसके बाद अपब्रिंगिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो अपब्रिंगिंग है वो होनी चाहिए कि बेटा बेटी इक्वल, और उसके बाद फिर उसको जब सोसाइटी में बाहर एज जॉब जैसे मैं कर रही हूँ और आप टेनिस खेलते हो, उस पॉइंट से हमें लोगों को बताना। सोफिया यही आपका पॉइंट मैं यहीं पे पकड़ूंगी कि यूजुअली पेरेंट्स भी 60% पेरेंट्स हमारे अगर लड़की को पढ़ाएंगे तो वो एक उनका मेन एम होएगा कि शादी के लिए पढ़ाना है, यू सी। जबकि लड़कों को पढ़ाएंगे कि नहीं मेरा बेटा मुझे आगे लेके चलेगा लेगेसी। नहीं, ये दिस थिंकिंग हैज टू चेंज, पेरेंट्स से ही ये चीज़ स्टार्ट होएगी। एग्जैक्टली। और एम्पावरमेंट जोन सी है वो ये है कि आप एम्पावर लड़की को, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी यू अग्री और नॉट, बट मुझे लगता है कि औरत, यस देर इज़ सर्टन इशूज़ जो हमें अभी सुनने को आए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक वो जो मीनारे पाकिस्तान वाला, दैट वॉज शॉकिंग एंड देर आर मिक्सड रिव्यूज़ अबाउट इट। जब मैंने अपने पेज पर लगाया फेसबुक पर स्पेशली, इतने उन्होंने लोगों ने, चंद एक, नॉट एवरी वन, बट चंद एक लोगों ने कहा कि वो तो ऐसी है वैसी है, खुद बुलाया। मुझे लगता है कि खुद बुलाने का मतलब क्या है, आप भी तो इंसान हैं। बिल्कुल। अच्छा, और खुद बुलाया, ओके एग्रीड, खुद बुलाया सब हुआ, आप में इतनी अकल या इंसानियत या शर्म नहीं है कि आपको किसी को डील किस तरीके से करना है? अगर सामने वाला गंदा है तो आप भी गंदे हो जाएंगे। कीचड़ आता है, गाड़ी निकलती है, कीचड़ आपके ऊपर गिरता है, तो आपका कीचड़ के पास फिर जंप मारोगे, और भी मैंने लड़ना है तुम्हारे साथ। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, वाई टू? अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब जैसे मैं भी मीडिया में हूँ, मैंने बहुत से होस्ट किए हैं पंजाब यूथ फेस्टिवल, हज़ारों की तादाद में, लाखों में थे। सो देयर इज़ ऑफ कोर्स अ सिक्योरिटी सिस्टम, एंड मरियम इट इज़ सम टाइम दैट दे टेक अस एज हम सेलिब्रिटी हैं, हमें तो देखा ही टीवी में, बट कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ये टिकटॉक वगैरह है, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, जो भी होगा वो फेक है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, पहली बात। बट अगर आपको कोई बुरा लगता है और किसी प्लेटफॉर्म से आपको लगता है किसी ने आपको मिलना है, तो बात ये कि कंट्रोल, वही वाली बात कि खुद को रखें, ख्याल करें। और दूसरी बात ये भी है कि अगर, मुझे समझ नहीं आती, लोग मजाक बनाते हैं, उसको देखते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, उस पर हंसते हैं एंड फॉलो भी करते हैं। दैट्स व्हाट वेयर माय पॉइंट इज, कि आप लोग कह रहे हैं वो तो ऐसी ही है, वो गलत है, वो कोई भी इंसान है, मैं भूल जाए वो कोई टिकटॉकर है, एनी पर्सन देयर इज, आप लोग उसको बैश भी कर रहे हैं फुल टाइम, और आप उसको फॉलो करके अरे वाह माशाल्लाह भी कर रहे हैं।
तो वो वाह माशाल्लाह मिलेगी, उसको लगेगा ये तो मेरे फैंस हैं, तो आगे फैंस वॉचर्स बन के आ जाते हैं। तो आप मत करें ना ये सब, आप उसको बढ़ाएं ना, आप उसको ब्लॉक कर दें। आप यकीन करें सोफिया यूजुअली एज अ टेनिस प्लेयर भी उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि टेनिस प्लेयर बहुत फिट होना चाहिए। सेरेना विलियम्स दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेयर है एंड शी इज़ हेल्दियर देन मी, ठीक है। आप मेरी गेम से लेना देना होना चाहिए। मुझे कमेंट्स भी आते हैं अरे वेट कम करो, अरे ये करो, आप यकीन करो मैं सीधा ब्लॉक का बटन दबाती हूँ। बीइंग बस ये चाहते हैं आप लोग, आप बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ फैन, आप उस बंदे को अनलाइक कर दे जो बेहुदा वीडियोस बनाते हो, बनाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि आपको जो चीज नहीं पसंद डोंट उसको फॉलो, तो दूर की बात है, उसको डिस्कस ही ना करें। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी हो गया मरियम कि एक हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए बहुत सी चीज़ों का, कि आपको भी एज अ लाइक हमें एज अ गर्ल और बॉय और एनी मीडिया पर्सनैलिटी या किसी भी फोरम पे हमें ख्याल करना चाहिए। दोनों इट्स टू टू टैंगो, बट हमारी सोसाइटी स्पेशली मर्द हजरात प्लीज़। अभी रिक्शे वाला जो वाक्य हुआ, हाँ अब उसमें बताएं उसमें क्या उसको बुलाया गया था, मीटअप रखा हुआ था रिक्शे वाले से, ये भी तो है ना। सी वो दो औरतें हैं किस तरह अपनी मतलब इज्जत बेचारियाँ, बस मैं क्या बोलूँ, बट दे ट्राइड, ठीक है, बट फिर भी नहीं बच सका, तो आप उस चीज़ को भी ब्लेम कर दें। ये सारा दिमाग में, मैं यकीन करें इट्स नॉट अबाउट अ वुमन और अ मैन, इट्स अबाउट द माइंड सेट। मैं बीइंग अ गर्ल मैं एक लड़की को भी गलत नज़र से देख सकती हूँ, अगर मेरा दिमाग गंदा या मैं एक लड़के को भी गलत नज़र से देख सकती हूँ, आई एम रॉन्ग। एग्जैक्टली, सो दैट इज वेयर इट कम्स, इट्स नॉट अबाउट अ मैन। बहुत अच्छे लड़के हैं। उस बकरी ने क्या किया था? हाँ, अब आपने एनिमल्स छोटी सी मासूम 4-5-6 साल की बच्चियाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी कोई सोच गलीज है इन लोगों की, उन बच्चियों ने क्या किया होगा? सो इट्स नॉट अबाउट एनी थिंग दैट आप जो उनको लड़कियों को या औरत को या बच्चे को ब्लेम करें, बहुत कुछ हो रहा है। बट लड़कियों को डोंट, जैसे यू आर माशाल्लाह यू आर वेरी गुड इन इट, कि आप ना स्ट्रॉन्ग करती हैं, वेदर मी वेदर योर किड्स, यू नो यू आर अ वेरी गुड पर्सन। पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि बेटियों को कहो बेटा अगर आपको कोई घूर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो घूरेगा, फिर वो देखेगा आपने कुछ नहीं किया, फिर वो आपके पास आएगा, फिर भी आपने, यस सेल्फ डिफेंस, स्ट्रिक्टनेस, लड़की स्ट्रिक्ट रहे, सेल्फ डिफेंस रहे, उसको पता हो कि हाँ भाई आई कैन ऑल्सो सी दिस पर्सन, मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ, रादर देन मैं छुपके अपनी साइकिल गाड़ी बाइक पे बैठ जाऊँ, तो वो और खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरे से डर गई, मैं बस को और तंग करूंगा, ऐसी और चार लड़कियों को तंग करूंगा। दिस इज द माइंड सेट दैट वन हैज टू चेंज, दैट कि हाँ जी लड़के ने छेड़ लिया, उफ मुझे तो डर के साइड पर जाना चाहिए। ये सब डर किस चीज़ का है? बिकॉज मुझे मेरा बाप मेरा भाई या जैसे भी एक रिश्ता होता है मर्द का, वो अवेलेबल नहीं है सोसाइटी में, तो मुझे निकलना पड़ा मजबूरी में। सो दिस इज़ व्हाट, और हमारे वो जो बहादुर नौजवान हैं, सॉरी टू से, मैं बिल्कुल इनको मर्द भी नहीं कहूँगी, वो जो कहते हैं कि जी औरत ने हमें अट्रैक्ट किया या अकेली जा रही थी, आप यकीन करें बड़ा अजीब लगता है जब 8 लड़कियों के साथ एक लड़का हो तो वो सेफ हैं, बट 8 लड़कों के साथ एक लड़की सेफ नहीं है, मतलब वो उसको वो नहीं करते, दिस इज सेफ, 8 लड़कियां एक लड़का, अच्छा लड़का भी नहीं, एक मैंने देखा कि वो एक नौकरानी थी ना, 3-4 नौकरानी उसके साथ, इतना सा पिद्दू सा 6-7 साल का बच्चा, वो लड़का है जी, बस वो सेफ है। हाँ, अब वहाँ आपकी जो मेंटेलिटी है चेंज हो जाती है, हाँ बंदे के साथ हमने नहीं छेड़ना, कहाँ की बहादुरी भाई, आप उस दिल है आप अकेली औरत को छेड़ते हैं। हाँ लेकिन आई थिंक औरत को भी बहुत सी चीजों में, जैसे हम है, लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं देखूँ मैं थोड़ी सी इस मामले में रिजर्व भी हूँ, क्योंकि मॉडलिंग एक्टिंग जो भी है मेरी फील्ड, बट मैंने उसमें अपने आप को रीजनेबली केयरफुल किया, वैल्यूज को देखा, बट हमें खुद एज अ गर्ल एट लार्ज हमें देखना चाहिए कि मुझे अपनी लिमिट्स में रहना है, और मुझे सर्टन ओकेजन्स पे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, एक अपनी चॉइस है। Agreed. Wow. Agreed. That nice. I agree with. Definitely. But इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको जो वो जो फेमिनिस्ट हैं वो इस पर बोलेंगे, कह रहे हैं आप लड़कियों को कह रहे हैं, हाँ, मर्जी, वो agree नहीं करते। नहीं मैं लड़की हूँ, मैं उस पॉइंट पे ये नहीं कह रही कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात मैं करूँ, मेरे हकूक मेरी मर्जी कर लें, मेरे हकूक इज मोर इम्पोर्टेंट दैट मुझे कोई हरेस ना करे, मुझे आंखें फाड़ के ना कोई गौर से देख के और ऊपर से नीचे एक्सरे करे, दीज आर द थिंग्स दैट, और लिमिटेशंस की बात नहीं है, ये है बीइंग केयरफुल। आपने एक ज़बरदस्त खाना बनाया है तो आप उसको बाहर ले जाएंगे मक्खियाँ तो आएंगी, तो बेहतर है ज़रा अंदर रख लें, केयरफुल रख लें, कवर कर लें थोड़ा सा, बट ये नहीं कि, क्योंकि दीदी बुरके वाले को भी नहीं छोड़ते, बुरके वाले को, हाँ उनको भी नहीं छोड़ते, तो वो फिर उस पॉइंट पे बंदे चेंज, वो बंदे चेंज ही कर दो, अल्लाह को कोई, अल्लाह प्लीज इनको ले जाओ। अच्छा और दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है वो मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ना बड़ी हरास होती हैं व्हेन दे आर वर्किंग, पहले तो काम नहीं मिलता लड़कियों को, नहीं काम मिलता है इजीली, नहीं मिलता, आई डोंट थिंक इजीली मिलता है, आई थिंक पॉजिटिव जो है मरियम लड़कियों का वो इजीली मिल जाता है, आई वुड से दैट, लड़कों को जो है वो इतना नहीं मिलता, बट उनको जो फेस करना पड़ता है उसकी रीजन डिफिकल्टीज, अच्छा या
सो अब ये जोन सा है रिसेंट अभी नूर मुकदम वाला, इतने बड़े खानदान का पढ़ा लिखा, अब तालीम का भी देखें और एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड उस हवाले से बताओ, एक दो मिनट में वाइंड अप करें। दैट इज इनसेनिटी, इनह्यूमैनिटी। इनसेनिटी नहीं, आई थिंक इट्स ओनली इनह्यूमैनिटी, क्योंकि दिल और दिमाग नहीं है। क्योंकि देखें उसको किसी चीज़ पे डाल देना, अरे वो वो नशे में था, वो कुछ था, नहीं, ये आपका दिमाग खराब था, गंदा था, आपने सोच गंदी थी आपकी, क्योंकि देखें आप फ्रेंड्स थे पहले, आप एक गैर के साथ भी इस तरह कैसे कर सकते हैं, और इतना एक्सट्रीम, ऐसे तो इंसान को ना एक सेकंड भी सांस लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन शट केसेस की तरह। सो अभी जो है हमने, मैंने और मरियम ने कुछ बातें की, आज तो हम काफ़ी नॉर्मल चार्ज अप नहीं है इतने लड़ाई के मूड में क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो है एग्री करते हैं हाँ, और कुछ पे हम डिसएग्री भी करते हैं हाँ, लेकिन ये कि आप जो है लेट्स टॉक में हमें जो बताइए आपके जो सवालात हैं उस पर हम जवाब ये देंगे कि जो कॉमेंट्स होंगे वी विल टॉक अबाउट इट मरियम। एंड आई रियली विश कि हम सब एक अच्छे इंसान और एक अच्छी सोसाइटी बन के रिप्रेजेंट करें खुद को दुनिया में। अपना ख्याल रखिए मुझे और मरियम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।